नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज करेली कांग्रेस की सभी इकाइयों, सेवा दल, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस द्वारा शाम को रेस्ट हाउस करेली में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई, जिसमें करेली ब्लॉक कांग्रेस व नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश पेठिया, राजेंद्र कुवंशी, मंडलम अध्यक्ष शरद तिवारी, प्रदीप शर्मा, प्रीति मिश्रा, मनोहर ठाकुर, प्रभात चौकसी, अनदी नामदेव, सेक्टर अध्यक्ष ब्रिजमोहन चौकसी, तीरथ श्रीवास्तव, राहुल ठाकुर, मनीष गौरव, रितेश यादव, आईडी सेल अध्यक्ष अनंत नीमा, दीपक कहार सहित करेली कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, सेवा दल, युवक कांग्रेस कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस सहित एनएसयूआई के बहुयाक संख्या में कार्यकर्ताओं की विशेष उपस्थिति थी। इसके बाद कैंडल मार्च कर सभी मोर्चा पदाधिकारियों के साथ समस्त कांग्रेस जन निरंजन चौक से पैदल मार्च कर हाथरस में हुई मृत आत्मा की शांति के लिए पैदल मार्च बर्मान चौराहे तक किया। साथ ही करेली कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश के नेता माने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जो दुर्व्यवहार किया और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जमकर नारेबाजी कर मोदी योगी सरकार के चित्र पर कालिख पोत कर उसे जलाया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।